बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर जी? आज मैं बनाऊंगी आपके लिए, बहुत ही स्पेशल है जी, ये कुंदन चिकन। आपके घर में दावत हो तो उस पर आप ये बनाएं, और बहुत मज़े का ये बनता है। और ये मैं सर्व करूंगी येलो राइस के साथ। इसके लिए चिकन लिया है मैंने, तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये चिकन का जो मीट है थाई वाला लेग पीस वो चाहिए मुझे। लहसुन अदरक चाहिए मुझे थोड़ा सा, हरी मिर्चें 7 से 8 चाहिए, और काली मिर्च चाहिए पिसी हुई 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 6 से 7 मुझे चाहिए सब्ज़ इलायची, बादाम और काजू, और अगर पिस्ता है आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। सबसे पहले ये मैं चिकन को लेके इसे कट लगा लूँगी, अंदर तक जो से कट लगने चाहिए, हड्डी तक। जो गोश्त वाली साइड है यहाँ से, जो दूसरी साइड है यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आपने कट लगाना है। अब मैं बनाना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालूँगी कढ़ाही में कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप के बराबर। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने कूट लिया लहसुन अदरक को अच्छी तरह। लहसुन अदरक का कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन। इसमें चिकन ये बड़े पीसेस में ही बनेगा, आप ये मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी, लेकिन जो असल है इसका टेस्ट वो चिकन में ही आएगा। और कोशिश करें कि लहसुन अदरक जो है वो हमेशा फ्रेश आप बनाएं, और खाने में रोज़ाना का जो है वो ताज़ा ही बना के तो डालें, इससे टेस्ट काफ़ी चेंज हो जाता है। जी व्यूअर्स, देखें कि गोल्डन कलर इस पर आ चुका है चिकन पे, बहुत अच्छे से इसे मैंने लहसुन अदरक में फ्राई किया है। इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा था, इतने में मैंने जो है ये हरी मिर्च की भी पेस्ट तैयार कर ली है, और काजू की भी पेस्ट तैयार कर ली है, और सब्ज़ी इलायची जो थी इसे मैंने हल्का सा कूट लिया है, और जो बादाम है उन्हें मैंने भी भिगो लिया था गर्म पानी में, और अब उससे मैं उसका भी छील के तो पेस्ट तैयार करने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, चिकन फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ी इलायची और पीसी हुई काली मिर्च, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे। इसी तरह इन्हें भूनूंगी मैं मसालों के साथ। जहाँ मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट, आप जितना स्पाइसेस खाना चाहते हैं उतनी ही आप हरी मिर्चें डालें, मैंने तो इसमें 6-7 हरी मिर्चें डाली हैं, और अब इनके साथ इसे भून लूंगी थोड़ा सा। जी व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट भूनने के बाद मसाले के साथ इसकी मैंने भुनाई की है, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास पानी, ताकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर चिकन के अंदर तक जो हैं वो शामिल हो जाएं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची के साथ और मसाले के साथ इसकी। और इसे अब मैं कवर करके पकने दूंगी।
जी, चिकन को मैंने कर दिया दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट, और यहाँ मैं बनाऊंगी येलो राइस। इसके लिए कुक ऑयल डालूंगी 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें शामिल हो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच, सब्ज़ी इलायची और 2 इसके दालचीनी के स्टिक। अब मैं डालूंगी इसमें 1 गिलास पानी। चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी, और के साथ इसमें शामिल करूंगी चावलों के हिसाब से नमक। आपके पास जिस क्वालिटी के चावल हैं आप उसी हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसे पकने दूंगी। जब पानी पक के आधा ग्लास, 1 गिलास मैंने पानी डाला था, वो पक के आधा ग्लास रह जाए, आंच को थोड़ा सा मैं तेज कर दूंगी। और यहाँ अब इसमें शामिल करूंगी ये जो मैंने काजू का पेस्ट तैयार किया था, ये तैयार इसमें शामिल कर दूंगी, और इसके साथ ही ये बादाम का पेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो ये मैंने पेस्ट इसका तैयार कर लिया था, ये इसमें मैंने डाल दिया। आप इसमें इसे पकने देंगे। हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो वो ऐसे ही ठीक है, एक उबाल आने दें, और अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसे और ड्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, एक उबाल इसको आ चुका है और मैं चूल्हा कर दूंगी बंद, और मुझे चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी इसकी मैं रखनी चाहती हूँ, तो बस इतना ही इसे पकने देंगे। और इसे अब मैं करती हूँ डिश आउट। जी बस, चावल को दम आ चुका है और चावल मैं डालूंगी पहले नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, येलो राइस मैंने डिश आउट कर दिए हैं, और यहाँ अब मैं डालूंगी ये चिकन, कुंदन चिकन जो हमने रेडी किया है। जी व्यूअर्स, और ये मैंने किए हैं इसके साथ बॉयल एग। आपके गेस्ट आए हों, ख़ास मेहमान आए हों, तो आप उनके लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, और यकीन करें कि वो इतने खुश हो जाएंगे कि वाकई हमारे मेज़बान ने उनसे हमारे लिए बहुत ही मेहनत की है। थोड़ा सा ये मैंने फ्राई किया हुआ प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत ही मज़े की इसकी लुक लग रही है देखने में भी, तो खाने में तो बहुत ही लजीज है। और इसकी जो सॉस है वो मैं अलहदा से इसके साथ शेयर करूंगी, इसमें डालूंगी मैं। जी व्यूअर्स, बहुत मज़े का हमारा कुंदन चिकन जो उनसे रेडी है येलो राइस के साथ, और ये इसकी जो सॉस थी एक्स्ट्रा वो मैंने इस तरह सर्व कर दी है कि जिसका दिल चाहे वो डाल सकता है अलहदा से भी। वैसे तो ये कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, इसको ऐसे ही खाया जाएगा। बहुत लजीज, बहुत यम्मी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की ये रेसिपी आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।